कुछ लोगों को बहुत गलत फहमी है और जस्टा के बारे में ना वो थोड़ी दूर करनी है यार दिक्कत थी दिक्कत थी एक ऐसा वर्ग हो चुका था ना तैयार हो चुका था कि ये आदमी रहेगा तो शायद पता नहीं क्या होगा अपने आप को सत्रह साल हो गया प्रूफ करने मैं तो अभी तक भी नहीं कर एक सर थे एस सर थे उन्होंने तो बल्कि मुंह पे ही बोला था कि यार इस बंदे की ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है नहीं मैं स्टार आज तक भी नहीं यार मेरे को मेरे को पता ही नहीं है स्टार कैसे होते हैं मैं बहुत छोटा हम तो आज वो नकल गा रहे हैं यार मैं तो जेबरा था यार जेट से जेबरा था ए फॉर एप्पल तो मेगी जी ने बनाया दोनों लड़के हिम्मत हार गए मेरे साथ वाले मेरी सेना तो टूट गई भाई कैसे क्यों <laughs> कुलदीप भाई को देखे यार नमस्ते मैं उपदेश और आप देख रहे हैं द हिमाचली पॉडकास्ट और हम पहुंच चुके हैं अपने ट्वेंटी फिफ्थ एपिसोड में यस yes, ये है हमारा एपिसोड नंबर ट्वेंटी फाइव और एपिसोड ट्वेंटी फाइव के गेस्ट भी हैं हमारे बहुत खास अरुण जस्टा इनका नाम है फोक सिंगर है हमारे हिमाचली बहुत ही लेजेंड्री कलाकार हैं ये भी काफ़ी सालों से एंटरटेन करते आ रहे हैं हम सभी को अरुण भाई ने अपनी लाइफ स्टोरी अपनी अब तक की जर्नी हमारे साथ इस पॉडकास्ट एपिसोड में शेयर की है अरुण भाई का अभी एक जो रिसेंट गाना आया था बामणिय टू आप सब लोगों ने सुना होगा जिसने बहुत रिकॉर्ड तोड़े बामणिय टू गाने का वीडियो भी अरुण जस्टा भाई बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाले हैं अरुण भाई के बारे में एक बात आपको बताना चाहूँगा जो मैंने ऑब्ज़र्व करी इस कानवर्सेशन के दौरान बहुत मस्त मौला पर्सन है बहुत सिंपल रहना पसंद है इनको कोई शो ऑफ इनको पसंद नहीं है और इनका जो विनम्र स्वभाव है ये आपको इनका फ़ैन बना देता है अरुण भाई ने एक बात हमारे साथ और शेयर करी जब मैंने इनसे पूछा कि आप इतने टाइम से हम आपको बुला रहे हैं आप क्यों नहीं आ रहे थे कह रहे मुझे ना कैमरा फ़ेस करना बिल्कुल पसंद नहीं है सो so, बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने बताई हैं आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे नए YouTube चैनल टी एच पी क्लिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें Facebook पे भी हम द हिमाचली पॉडकास्ट के नाम से आपको मिल जाएंगे धन्यवाद अरुण भाई वेलकम टू तो द हिमाचली पॉडकास्ट बहुत बहुत धन्यवाद फाइनली आपके दर्शन हो गए बुलावा हो गया आपके स्टूडियो का पहुंच के मैं तो कब से बुला रहा हूँ और सबसे पहले तो आपके फैंस को मैं डायरेक्टली बोलना चाहूंगा कि भाई साहब आ गए हैं भाई साहब हमारे स्टूडियो में और बार बार तंग मत उपदेश उपदेश भाई भाई को को कमेंट बॉक्स पे फिर <laughs> मेरे को तो पर एक बात तो है कि भाई साहब आपकी फॉलोइंग बड़ी अलग लेवल की फॉलोइंग नहीं है भाई साहब कुछ भी नहीं है ये आप बोल रहे हो ऐसा मतलब मैं आपका ये तो बड़प्पन है बट आपकी जो फॉलोइंग है वो मतलब लोगों ने इंस्टाग्राम पे डीएम कर करके यूट्यूब पे कमेंट कर करके इंस्टाग्राम पे कमेंट कर करके मतलब अरुण जस्टा जी का बारे है और मैं अरुण जस्टा जी को बोल लू अरुण जस्टा जी आपका बारे है और अरुण जस्ता जी बोले के समय आएगा यार मेरे को कैमरा फेस करना आता नहीं है भगवान ने शकल ऐसी दी है ना मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मेरे को बस कैमरे पे मैं इतना बुरा देखता हूँ कि दुनिया की कोई भी चीज मेरे से बुरी नहीं हो सकती है कैमरे पे बस यही चीज़ है अदरवाइज कौन अपने लिए ये सोचता है कि वो ना दिखे या ना उसकी तारीफें हो ना तो ऐसा आपको लगता है।, लगता है पर अरुण भाई आपके फैंस जो हैं आपको देखना चाहते हैं और अलग ही धमाल आपने मचा के रखा हुआ है आजकल बामनीय से तो अलग ही मामला हो रखा है तो अरुण भाई देखिए क्योसिटी बहुत ज्यादा है आपके बारे में जानने की तो हम चाहते हैं आप अपने बारे में हमें बताएं आपकी स्टोरी क्या है जा... कुछ नहीं है भाई मैं एक बहुत साधारण परिवार से आता हूँ छोटी एज में ही बाप का साया चुछ चुछ चुका था तो बाप के बिना तो फिर हर एक चीज में हैं, होती हैं हर एक चीज में ना कि जो चीज बाप कर सकता है वो और कोई नहीं कर पाएगा आपके लिए ना राइट तो बस वो चीजें झेल झेल के आज आपके सामने हैं तो ऐसा ही तो ये तो आपने ऐसे ऐसे करते हुए एकदम खत्म कर दिया तो इसके बीच में बहुत, बहुत ऐसी चीजें ना बहुत ऐसी यादें वो मैं बहुत जल्दी भूल भूल जाना भी गया हूँ भूल ही गया हूँ क्योंकि वो चीजें कचरा समझ लो वो मैं याद नहीं रखना चाहता हूँ हाँ कुछ बातें हैं वो टिल वो रहेंगी वो याद रहेंगी वो तो ख्वाबों में भी रहेंगी जिक्र में भी रहेगी दुआओं में भी रहेंगी वो है वो है वो बहुत कम है मेरे जीवन में वैसे थोड़ा सा पीछे ले जाता फिर आपको थोड़ा शुरु शुरु थोड़ा सा सा शुरू से से शुरुआत करते हैं अपने गांव बताइए ना कहा है आपका गांव मेरा गांव कोटखाई में पड़ता है ये कोटखाई से 12 किलोमीटर आगे आती है क्यारी जगह क्यारी आपने सुना होगा फिफ्टीज और सिक्सटीज में एशिया के रिचेस्ट विलेज थी तो हमारी पहचान पूरी वैली की उसी नाम से है क्यारी नाम से है उस वैली पे हम किसी भी गांव से हैं तो हमारे गांव के नाम करके हमारे को नहीं पहचानते ओके okay. हम जब बोलेंगे कि हम क्यारी से हैं तो हमारे को फिर पहचानते हैं कि हाँ ये कोटखाई की क्यारी से लोग आए तो रिचेस्ट किस में फार्मिंग बहुत जल्दी शुरू हो चुकी थी कोटकड़ के बाद कोटखाई में अगर कहीं शुरू हुई है तो वो क्यारी में शुरू हुई है ओके। तो राजनीति से जुड़े हुए लोग थे हमारे हिमाचल में जुब्बल कोटखाई से बहुत सबसे पहले ही एमएलए हमारे क्यारी से ही थे बाबू बालानंद चौहान जी तो हाँ शुरू से लेकर फिर कुछ दैविक कृपाएं भी है हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद है हमारी वैली शुरू से लेके इनके आशीर्वाद से रही लंकड़ा वी जी है वैदिक देवता है रुद्र अवतार ही है महाराज लंकड़ा वीर जी तो महामारी दुर्गा जी हैं साथ में क्यारी में ही okay. फिर हमारे महाराज हैं पूरे पंद्रह सौ के देवता बहेंद्रा जी और पूरी वैली में देवता हैं आप हमारी वैली पुड़ुक से लेके खनेटी तक आप लेके चलोगे ना तो पुड़ुक से महाराज महादेव शिव शंकर जी से लेके ऊपर नेहरा पहुंचेंगे वहाँ पे गुठानिया नानू है डोम देवता जी हैं फिर हमारे गांव बड़े आ जाएंगे वहाँ वैदिक महामाई है देवता चाबी करके उनका नाम है पर पूरी वैली के जो सबसे पहले अगर कोई खाई के देवता हैं तो देवता बहेंद्रा महाराज जी हैं और वो हैं बहुत बढ़िया तो uh, कैरी में ही व, व, उसी uh, सॉरी गांव का नाम बताया आपने मेरे गांव का नाम है ओके okay. तो थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में स्टार्टिंग डेज के बारे में स्कूल टाइम से लेके थोड़ा सा चीजें अगर इफ इफ यू यू वांट टू टेल अस हाँ स्कूल हमारे राना साहब है कोटखाई के ही जो गद्दी पे बैठते हैं उन वो ही स्कूल एक चलाते हैं कोथखाई पब्लिक स्कूल करके केपीएस करके कोटकाई में ही ओके उनके दरबार में ही वो स्कूल चलता है हैं हाँ। तो हाँ प्रारंभिक शिक्षा वहां से हुई है फिर मैंने अलग अलग स्कूलों से शिक्षाएं यार मेरा लाइफ बहुत ऐसे ही रहा ना बहुत हर हाँ दो महीने के बाद चार महीने के बाद कुछ ना कुछ होता ही था तो इतना इजीली ना मैं आपको पहले आप से, से दसवीं में रहे हो ना, इतना ऊपर इतनी जल्दी आपको नहीं करना चाहोगे मैं वो आपका नहीं करूंगा ये जो आपने स्कूल बताया थोड़ा सा इस बारे में बताओ आप कह रहे हो राजदरबार क्या कहा लगती है कोटखाई जहाँ पर हमारे राणा जी बैठते हैं आपको पता है हिमाचल में हर एक रियासत में राजा होते हैं तो हमारे राणा जी हैं कोटखाई में ना दरबार है पहले क्यारी में दरबार था सबसे पहले तो राणा कोटखाई में पह पहुंचे तो वो क्यारी में पहुंचे हमारे जो कोटखाई जो बोला जाता है रियासत रियासत कोटखाई ना वैसे तो रियासत है फिर उबा देश करके एक जगह है फिर दरगोटी रियासत आती है तो रियासतें हैं वहां पे पर जो हमारे कोटखाई की रियासत है हमारे राणा साहब पहले क्यारी में बैठते थे तो महाराज जो लंकड़ावीर जी हैं महामाई दुर्गा जी हैं वो राजगद्दी में अभिमंत्रित होती थी पहले से लेके महा तो की आपका राजपाट विजय रहे और प्रजा आप सुखी रहे महामारी तो, तो क्यारी तो ब्रांच स्कूल की वहां पे चलाते हैं जो दरबार भी है वो पूरा पुराने पुरान टाइप का है मॉडर्न है नहीं नहीं पुराना है पुराना है सब कुछ पुराना है पुराना है हाँ, गाने का शौक कब से लगा फिर यार मेरे को खुद भी पता नहीं है बस ऐसे ही ऊपर से ही होता है कुछ ना कुछ यार प्रारब्ध से हम लेके आए हुए हैं साथ में ना राइट बिना मतलब का यहाँ पे कंकर भी नहीं है वो भी कहीं ना कहीं किसी के काम के लिए है कहीं घर पे लगेगा कहीं भर्ती में लगेगा कहीं मंदिर में लगेगा तो बस मैं भी कुछ लेके आया हूँ अपने साथ तो ये लेके आया हूँ कि आप से भाइयों का प्यार मिलना है आपके साथ आपकी सामने ऐसे जम बैठना है तो ये चीजें मैं लेके आया हूं तो बस हो गया था जो भी हो गया था बचपन से है कीड़ा है बचपन से है गाने का गाता हूँ स्कूल टाइम से गाते थे हाँ हाँ किसके फैन थे अब जब आप खुद बड़े हो रहे थे किसके गाने सुनते थे फोक में अगर मैं स्पेसिफिक यार मेरे मेरे जमाने में उतना कुछ होता नहीं था सुनने के लिए ना हम बस गांव में ही फोक सुनते थे गांव में मेले लगते थे शादियां होती थी बस जो सभी चाचे ताए गा रहे हैं बस वही तो मतलब ऐसा कोई, कोई नहीं है नहीं नहीं गाँव का सीखा हुआ कुछ मैं गाँव के गीत ही है, है। तो आप चीज करनी है मैं सच में बोल रहा हूँ मैं सीरियस आज तक नहीं हूँ मैं आज तक मजाक मजाक से चला हुआ तो इस मजाक की क्लैरिटी कब दो हजार सोलह के बाद मुझे लगा कि यार मुझे हाँ कुछ करना है यार कुछ लोगों को बहुत गलत फहमी आए और उन के बारे में ना वो थोड़ी दूर करनी है तो फिर मैं 2017 के बाद से वो तैयारी मेरी चली थी तो वो पाँच छः साल उस तैयारी में लग गए हर एक फील्ड पे मैंने फिर फोकस किया हर एक चार खम्बे मैं तो चार कोने जैसे चल के चलते हैं ना हमारे बुजुर्ग बोलते हैं चार कोनों का घर होता है चार कोनों का ही सब कुछ होता है चार पैर का ही दिन रात का हर एक चीज सिस्टम बना हुआ है तो बस मैं उन्हीं चारों कोनों में काम करता रहा चार पाँच साल वो काम करते करते लग गए आये तो हमारे हमारी मंजिल के बड़े बड़े कलाकार मेरे गीत पे रील्स बना रहे हैं और डांस करते हुए नजर आ रहे हैं तो बस मैं इसी के लिए वो मैं चार पांच साल बताए चलिए आप साल 2024 और 23 में पहुंच चुके हैं मैं थोड़ा सा पीछे की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की कि जब आप कह रहे हो कि मजाक मजाक में किया यार हाँ सब मजाक तो मजाक मजाक में आपने पहली बार जो रिकॉर्डिंग की सीरियस वाली वो कब मजाक हुआ वो मजाक हुआ छ छत के बीच में वो मजाक हुआ और कहा जाके हुआ था उपम्दार्थ? वो वो बिलासपुर भैरवी स्टूडियो थे पम्मी जी के पास मजाक पूरा तो फिर तो वहां पर रिकॉर्डिंग पहुंचे स्टूडियो पे पहुंचे हमने पहला दिन तो यार हम नए नहीं, नहीं पता था हमारे को क्या पता है क्या डमी होती है क्या रिदम होता है क्या किसको वोकल बोला जाता है किसको क्या कि हमारा तो पहाड़ी घसा चलता था गांव में तो तो हमने सोचा वही होगा स्टूडियो में भी वही होगा भाई तो हम उस हिसाब से गए दो दोस्त मैंने अकेले तो मेरा भी नहीं था मैंने दो दोस्त थे जिनका मेरे को पता था कि ये गाते हैं कौन थे वो कोटखाई सी प्रशांत चौहान था एक राजेश शर्मा जी थे ओके okay. मैं कहा यार भाई कीड़ा मेरा था मेरे को पता था वो गाते हैं और मैं पूछूंगा तो वो करेंगे तो मैंने पूछा हाँ चलते हैं और हम गए पहुंचे और गोडी भाई पम्मी भाई से मुलाकात हुई तो हाँ तो हमारी बात हुई कि क्या प्रोजेक्ट कर लेंगे क्या 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 क्या, क्या। तो उस टाइम उन्होंने हमें पैंतीस सौ चालीस हजार रूपए बोले थे मैंने पे किए दो चिलमन जो आपकी पहली है। जी जी ऑडियो फिर आया फिर बहुत खुशी हुई ऑडियो आया फिर मजा ये था कि दूसरे दिन जब हम होटल से निकल के स्टूडियो पहुंचे तो स्टूडियो में अंदर माइक वाले रूम पे एक शख्स सोए हुए थे हमने ध्यान नहीं दिया मैं शायद कोई स्टूडियो से ही हो पम्मी भाई कोडी भाई के कोई हो तो हम बाहर बैठे थोड़ा गपशप जैसा होता है कि चाय पानी हुआ तो उतने में गोडी भाई रिकॉर्डिस्ट थे तो गोडी भाई ने आवाज मारी कि भाई साहब तो अंदर माइक के आगे जब हमने नजर देखी तो कुलदीप शर्मा माइक के आगे अच्छा हाँ। धड़कन रिकॉर्डिंग की थी उन्होंने उनके गीत था उसमें मेरी हुए। वो करके गाना था और हमारे भी वो गाना पर हमारा कुछ ये था कि हमारी वही गांव वाला था तो बस वहां पर फिर वो यार कुलदीप भाई को अपने सामने लाइव देखना और गाते हुए देखना तो तो कुछ अलग है हाँ, 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 दोनों लड़के हिम्मत हार मेरे साथ वाले, मेरी सेना तो गए टूट गई कुलदीप भाई को देखे, अब इनका तो वो के साथ, चलेगा वो बिल्कुल शस्त्र फेंक चुके थे वो ओ, फिर में हाँ हाँ ढेर 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 वो ढेर हो चुके थे फिर जैसे तैसे मैं शुरू से लेके बहुत जिद्दी हूँ मैं लगता नहीं हूँ यार मैं कुछ अलग वो तो आप मैं कुछ अलग मिट्टी का बनाऊं शुरू से लेके फिर मैंने उनको थोड़ा समझाया थोड़ा हम जानते हैं ये भी तो वही चीज गा रहे हैं। है ठीक है वो जो चीज होनी है वो तो यहाँ से जब चीज निकल के जाएगी लोगों के बीच में जाएगी तब पता लगेगा ना है। फिर वैसे वैसे क्या करके मैं जानता हूँ फिर हुआ फिर रिकॉर्ड क्या फिर जाके सबके सामने है फिर जो जिन्होंने चिल्डमन सुना है वो जानते हैं चिल्ड्रन okay. क्या चीज थी फिर उसी टाइम फिर यशवंत भाई का लैला मजनू आया था ओके okay. ये सात एक ही महीने के एलबम थे ये और ये तीनों चले भैरवी के उस टाइम भैरवी स्टूडियो का इतना वो होता था जलवा था जलवा था फिर मेरे पास तो कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस था नहीं लैला मजनू को तान्या ने अपना लेबल दे दिया और तान्या की भी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत थी ओके वो उत्तराखंड तक वो मार्केटिंग करते थे पैसा था ना हर एक चीज थी

कोटखाई डूबल मैं इतनी जगह कर पाया मैं ज्यादा जगह नहीं कहीं जा पाया मैं यार खुद जा के कैसेट दी हाँ तो मेरे संसाधन ही उतने थे क्या यार क्या बात है हाँ क्या बात तो, है पर फिर भी चला ऑडियो चला यार कितने कैसेट्स ले जाते थे झोला उठा के झोला उठा के यार चलती थी तीन सौ का भी तीन कैसेट होती थी कभी चार सौ कभी एक पेटी लेके पूरी पेटी आती थी उसमें पे, या करके हो था। है? और हमारे से रिटेलर मांगते थे होलसेल के रेट पे वही चीज पंद्रह रूपए देके जाओ सोलह रूपये देके जाओ अठारह रूपए देके जाओ यारह पैसा कैसे पूरा करेंगे अठारह रूपए के हिसाब से देके मार्जिन सारा दुकान वालों का

दबा रहे हैं तो उसको प्यार मिले तो अच्छा लगता है तो यार ये कलयुग दबाया ही ये। so, हुआ था? करना नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है पर होता है ये रियालिटी है ठीक है सच्चाई मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूँ अभी आपको आप पहली बार पहुंच गए बिलासपुर मैं भी बिलासपुर से ही हूँ और जब आप पहुंचे भैरवी स्टूडियो में भी आपने जब पहली बार माइक फेस किया रिकॉर्डिंग के लिए हाउ इज दैट एक्सपीरियंस क्योंकि आपने दूसरे पहले माइक पे पे गाया था उससे पहले कभी नहीं नहीं कभी नहीं तो कभी कैसा था वो एक्सपीरियंस वो थोड़ा सा बताइए यार कोई समझ में नहीं है आगे से गोडी भाई का इशारा आया और गेड़ा शुरू नहीं तो ताल पे आप एकदम हो पाए मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही थी उस मेट्रोनोम पे रिकॉर्ड करने पे या कुछ नहीं उतना उतना हमारे को पता था ताल का पता था क्योंकि हम गाते थे ना शुरू से लेके गाते थे ताल की दिक्कत कोई नहीं थी हाँ, दिक्कत किस चीज की आई दिक्कत हमारे को आई नहीं सब समुझल हाँ, हो गया दिक्कत वही आई की सामने कुलदीप भाई गाते हुए दिखे और शस्त्र छोड़ दिया मेरे सैनिकों ने ना मेरे युद्धवीरों ने कुलदीप भाई से बात हुई नहीं नहीं उस टाइम बात नहीं हुई उस टाइम यार हमारा हम, आ, हम तो, कहां, तो उतने लेवल के नहीं थे पर शायद कुलदीप भाई भी इतने नीचे कहा हमसे बात करेंगे कुलदीप भाई स्टार थे यार अच्छा आज भी स्टार हैं कुलदीप भाई तो पूरे स्टार दम पे रहे हैं शुरू से लेके 2000 से लेके उनका तहल का जब से आया कुलदीप भाई तो तब से लेके स्टार ही है आप भी स्टार ही है आपकी पहले की असर से आप नहीं मारे वाले नह बात है ठीक है तो अभी मैंने एक वीडियो देखा था आपका आपके इंस्टाग्राम पे

दुनिया को इस भाषा को कहाँ से कहाँ पहुंचाया भाई मेरे पास जब आए थे उनका एपिसोड मैंने बुला रहा हूँ कुलदीप भाई बड़ा <laughs> <कहे> भाई भाई। <laughs> मना किया क्या मैं फोन करूँ क्या मैं भाई एक अलग ही पर्सनैलिटी है हमारे फोक में जो कुलदीप भाई ने पाया वो कोई नहीं पा पाएगा यार कुलदीप भाई बहुत बढ़िया तो पहले कैसेट आपने खुद डिस्ट्रीब्यूट करी जा, जा के, और फिर जब वो चलने लग पड़ी फिर लोगों के कॉल्स आने कि और दो और दो और दो हाँ लोगों के नहीं आते थे दस बारह हजार पीस तो मैंने खुद अपने हाथ से बेचा था फिर उसके बाद मैं जब पूरा नहीं कर पाया फिर मैंने वो तान्या को एक हमें हमारे स्टूडियो चलता था तान्या उनकी दुकान थी

कोटगढ़ और नंदी के बीच में एक जगह आती है नागाधार ओके okay. पहला प्रोग्राम मैंने वहां पे किया और वहां से प्रोग्राम देख के हमारी कोटखाई की जगह है कलभोग okay. फिर दूसरा प्रोग्राम मैंने कलभोग में किया तो क्या उस टाइम पे वो अमाउंट वैसा वाला मिलता था जो आप डिजर्व करते थे उस टाइम पे वो मतलब सही था मामला नहीं मेरे को अपनी कीमत आज तक पता नहीं है यार मैं कर लेता हूँ बस मेरा दिल कहीं बोल लेता ना मैं कर लेता हूँ मैं वो चीज नहीं देखता ना हाँ पर अब अब थोड़ा देखने लगा हूँ अब थोड़ा देखने लगा हूँ जरूर करने लगा हूँ हाँ जरूर फिर मेरे मेरे को एक मेरे दोस्त ने मेरा दोस्त है ना एक यार वो उसने मेरे को अचानक ये कि एक बात बताई कि अपना परिश्रम और अपना जो आप का एक मानदेय या जो आपकी मेहनत का वो है वो आपको मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए राइट वो आपको मांगनी है राइट अगर आप पूछोगे तो वो हां भी हो अच्छा अच्छा उतना बनो उतना, मैंने ये पाया कि अच्छा उतना बनो जितना सामने वाले को हजम हो ज्यादा अच्छा बनोगे ना तो सामने वाले को फिर वो हजम ही हो ना जायज फायदा वो मतलब की भूख जब भर जाए ना वो फेंकना शुरू कर देगा रोटी पेट भर गया तो चाहे जो मर्जी आपकी थाली में फेंक देगा यार इसलिए वो भूख रहने दो मेरा दोस्त है एक संदीप का और ना वो मेरे को इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाता रहता है तो फिर मैं जो, जो, जो गाइडलाइन जो, पे चलता रहता जो यहीं बैठे हुए हाँ मैं, मैं उसकी बातें सुनता रहता हूँ संदीप भाई फिर, हाँ फिर ये तो कमर आदमी है तो आपको पता राज दरबारों में तो बढ़िया, बढ़िया। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा वैसे आपको गया संदीप भाई भी यहां साथ में <laughs> भूख लगी है ना हमारे पहाड़ों में बोलते हैं कि भूख होगा लकड़ पत्थर भी हजम हो जाता है क्या बात क्या बात चिलमन का कुछ सुना देंगे भरी শিষরা বে শিশিরে ও শিয়ে শা বে শিশির শিয়ে রা বরে শিশিরে ও বোলো বিটি আপু দে রাজে জানি সাই বে মিশি রে ও রাজে জানি মিসি বে मिसेरे वाह अरुण भाई हमारे पॉडकास्ट को आपको पता ही होगा पूरा हिमाचल देखते हैं आज की डेट में तो बहुत सारे लोगों को ना ये आ, जो हो सकता है ये इसका मीनिंग समझ में ना है शिमला अपर शिमला और जिन लोगों ने गाना सुन रखा है उनको पता होगा तो आप बता पाएंगे कभी कहना क्या चाह रहा है इसमें हाँ घी है बोरी मतलब कि घी का एक बर्तन होता है कि वो फुल भरा है मतलब कि रूप की तारीफ हो रही है नुपु अच्छा। मतलब कि घी से भरे गहुई की तरह भी और शी अच्छा। मतलब कि शराब से बोतल की अच्छा। बेटे मतलब कि अंदर और बाहर जब चलते हो तो राजा रानी साहब हो रहे मतलब कि राजा साहब के आप रानी रानी लगते हो इतने खूबसूरत लगता है क्या बात है खूबसूरती की तारीफ कर रहा है कभी इसमें बेसिकली और इसके अलावा इसमें और दूसरा जो हिट गाना था अपना सिलदारा दो लेने हो जाएंगी

क्या बात है हल्की हल्की जो मुर्खिया हल्की हल्की जो नजाकत है ना ये बहुत अलग है एक चीज बताइए आपके जो ये गाने हैं आपकी जो ये नाटियां है, है? खुद ही करते हो आप या म्यूजिक डायरेक्टर जो ये ये आ रहा है है तो पुराना गाना है पुराना फोक है पुराना फोक है ये कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज होती थी जो ये चीजें अपनी परंपराओं से करती आई है अच्छा गेहूं गेहूं बोलते हैं हमारे उनको ना ओके तो ये उनका काम होता था और बखूबी उन्होंने निभाया है हमारे ऐसे बहुत से इतिहास है जो उन्होंने इस कला की वजह से जिंदा आज तक रखे उन लोगों को वो शायद आज तक उतनी तारीफ ना मिली हो या इतने बड़े लेवल पे ना वो पहुंच पाए हो पर जो उनका कंट्रीब्यूशन हमारे फोक के लिए है वो नहीं भुलाया जा सकता है हम तो आज वो नकल गा रहे हैं यार हमारे को तो सब कुछ बना बनाया मिला हमने कुछ नहीं इसमें वो किया है हाँ, वो धुन भी उनकी बनी है वो माइंड भी उनके जिन्होंने वो शब्दों में पूरी कहानी घटते थे यार एक एक पॉइंट वो ऐसा घटते थे कि लगता था सारी कहानी जिंदा होके अपने सामने सामने रही है। ऐसे किसी को जानते हो आज की डेट में नहीं अब छोड़ दिया है यार हमारी पुरानी चीजें हर एक चीज छोड़ते आ रहे हैं ना लोग यार लोगों ने प्यार करना छोड़ दिया है या पता नहीं क्या चीजें हैं लुप्त होती जा रही है कम होती जा रही है अपने जो एक हमारे तो शुरू से लेके हुनर से ही बेस्ड वो चलता है शुरू से लेके ना कि कई चीजें ऐसी होती है वो फैमिली में पास होती रहती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हाँ पीढ़ी दर पीढ़ी ना तो अब कई चीजें ऐसी हैं कई पीढ़ियां ऐसी हैं वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीजें रोक चुकी हैं मतलब वो खत्म हो चुकी है कई कई फील्ड ऐसी है एक यही गायकी की नहीं है या लेखन की नहीं है कई चीजें तो चिलमन आई

नहीं वो हुआ था क्योंकि उसमें मैंने कुछ मैं पहले से ही डर में था यार कि आउटपुट पता नहीं क्या हो रिकॉर्डिंग की और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो चीज़ चलनी चाहिए वो ना चले इसलिए मैंने वहां पे रिस्क नहीं लिया वहां पे कुछ मतलब कि जो मेरा फ्लेवर नहीं है मैंने उससे हटके थोड़ा काम किया था उसमें ना नए कोई सारा सारा दिन तेरे बिन पर नहीं, नहीं गुजारा वो गा लिया सलीम वाला सलीम का था ना हाँ वो मैंने पहाड़ी में गा लिया वहां, फिर क्या आया था मन में कि ये करूं मन में कुछ नहीं है मेरे को फोक नहीं गाना था वहाँ पे क्योंकि मेरे को थोड़ा डाउट था स्टूडियो पे अच्छा भैरवी पे वो डाउट नहीं था मेरे को पता था भैरवी की आउटपुट है सब कुछ है अच्छा पता ना की जो मैंने ऑडियो सुने थे उसमें मुझे लगता था कि शायद इतना आउटपुट नहीं है यार ये उतना चीज में दम नहीं आता है नहीं मैंने फोक को मैंने दबा के रखा जो चीजें मैंने तन्हाई में की नेगी जी के पास नेगी जी के पास आके या अमर प्रेम में की या बेताज बादशाह में की वो मैं नहीं वहां पे मैंने रोकी वो चीजें कि वो तो हाँ, वो चल नहीं पाया बेसिकली नहीं चला नए लड़कों में चला वो यार नए हाँ। लड़कों ने सुना सारा सारा दिन सुना हाँ। हो, होटले पाके गई रो रोटी वो सुना हाँ। फिर चिठे टुकड़े टुकड़े करने वो सुना उसमें भी सुने हाँ। और मैं बताऊ मैंने आज तक जो भी चीज लिखी है ना भाई हाँ। वो चलिए ये मैं आपके पास बता रहा हूँ मैं अदरवाइज मैं यही बोलता हूँ नहीं लिखता हूँ पर मैंने आज तक जो भी लिखा है ना चाहे वो कौस गांव टूरा लिखा है चाहे कुछ भी लिखा है वो चला है क्या बात है वो नहीं रुका चाहे बानोरे लिखा है कुछ भी लिखा है वो चला है तो चिलम्रन टू से कुछ सुनाएंगे हो पाए गो

होए होए बे 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 नहीं गुजारा। बे नहीं नहीं गुजारा 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 सारा सारा दिन तेरे बिन ए बे नहीं गुजारा। जो ये भी पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे वो उनकी मेमोरीज एकदम ऐसी हो जाएगी और जिनको तो जो इस वाले फेज में थे जो ये गाना कहता है वो तो अलग जोन में पहुंच गए होंगे फॉर श्योर आपने अपने जितने भी गाने गाए हैं जैसा कि आपसे बात हुई तो आपने बताया कि नेगी जी के साथ आपका कोलैबोरेशन सौ से ज्यादा गाने मेरे सुरेंद्र सर के पास गुरु जी के पास हुए यहाँ भी मजाक में गए थे या यहाँ थोड़ा सीरियस हो गए थे आ, नहीं यहाँ भी मजाक ही था मजाक ही था क्योंकि मैं फैन हो चुका था सुरेंद्र सर का उनके जो एल्बम आ रहे थे उनका जो वो उंगलियों का वो जो चलता है ना जादू वो मेरे को झकझोर चुका था मेरे को वो बांध चुका था हाँ। मैं कहा एक बार जाना है यार, मैं कहा देखना है कीड़ा तो था हाँ। वो पक्का पुख्ता हो चुका था चिलमन से पर यह अपने लिए करना है अपने लिए अपने जो अपने को अच्छा लग रहा है वो गाना वो ही है जो खुद को अच्छा लग रहा है चलिए अब यहाँ पहुंचते हैं आ, अपना अरुण जस्टा जी पहुंचे हैं सुरेंद्र नेगी जी के स्टूडियो आगे का सीन बताइए कुछ नहीं हम बैठे थे होटल में रामपुर में अच्छा होटल में मिले आप स्टूडियो में नहीं गए नहीं हम शाम को पहुंचे थे हमने होटल पे पहले थे नेगी सर का कॉल आया कि कहाँ हो मैं कहा सर पहुंच गए हम होटल पे हैं और उतने में पंद्रह मिनट में नेगी सर हमारे पास होटल में पहुंचे फिर बैठे फिर गप हुई उनने हम तो डिनर पर नेगी जी ने तो हमारे साथ ज़्यादा टाइम नहीं वो किया सर ने वो पंद्रह मिनट बैठे और फिर सुबह के लिए बात हुई कि इतने बजे पहुंचो इतने बजे वो मैं कहा ठीक है सर बस फिर हमने डिनर किया और सो के और सुबह नेगी जी के पास पहुंचे और फिर धमाल शुरू तो हो गया। राकेश दीवान जी ने भी लिखा था इसमें भी, भी लिखा था और फोक ट्रेडिशनल भी था ये सारा था नेगी जी ने पहले म्यूजिक बना के रखा हुआ था नहीं तो ऑन द स्पॉट बनाया उस टाइम नहीं ऑन द स्पॉट भी नहीं आया म्यूजिक तो बाद में काम होता है पहले वोकल सिर्फ वोकल लिया था उन्होंने सिर्फ वोकल तो कैसा था पहले रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस नहीं मुझे जैसे इशारा मिलता था गेड़ा शुरू वो तो फोक तो रटा हुआ होता है यार फोक तो वो तो बसा हुआ है वो तो आत्मा से जुड़ा है वो तो कोई रियाज करने की जरूरत नहीं है कोई कॉर्ड खोलने की जरूरत नहीं है वो तो कॉर्ड एकदम से खुल जाता है जब फोक

फॉर एप्पल तो मेगी जी ने बनाया है अच्छा। मैंने, जेवरे से किया है मैंने। जैसे करते है ना अनार से अनार गया हूं और पहुंचाया ज्ञानी नहीं हुआ हूं पर अपने जो मेरे दिल को लगता है कि मैं दिल से ज्ञानी हुआ हूँ आप पे जाके ना कि नहीं तो मैं तो जानवर था मेरे को तो कुछ पता नहीं था कि क्या ताल होती है क्या स्वर होते हैं कैसे इंस्ट्रूमेंट के साथ मेरे को कुछ पता नहीं था गाँव में क्या पता होता यार? जी की खास बात क्या लगती है संगीत करना चीज होती है उपदेश भाई। तो मैं नहीं हूं कोई फोक में जो मर्जी आ जाए फोक में निगी जी एक तो आप कह रहे हैं उनका हाँ औदा उनका अलग है फोक नहीं वो सारा काम करते हैं पर जो फोक में वो काम करते हैं ना वो पचास साल के बाद भी उनका गाना बना हुआ गाना सुनेगी ना दुनिया तो लगेगा कि वो आज ही है क्योंकि मैं चौदह साल पहले का गाना उनका कोई आज सुनता हूं ना तो लगता है वो अभी रिकॉर्ड हुआ है फ्रेशनेस है

उसमें से भी वो वाले फोक चूज करना जो मतलब रिस्क हाँ मैं रिस्क ले लेता हूँ ब्रह्माखड़ा हमने रिस्क लेके आज तक नहीं हाँ। कोई कलाकार बड़े कलाकार ना जो महान ख्याति प्राप्त हैं वो नहीं वो चीज को छू पाए ना कि वो वो चीज हमने दस साल पहले बारह साल पहले छू ली क्या रीजन लगता है आपको कोई हाथ क्यों लगाता है इनको जानते नहीं है ना फोक है ना जानते नहीं है शब्द वैसे है कि वो ठेठ पहाड़ी आदमी चाहिए उन शब्दों को बोलने के लिए ना मैं थोड़ा सा पीछे ले आऊंगा पहले अभी मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली उस एल्बम की जो अज्यूमिंग uh, या उस एल्बम की भी बात नहीं करूँगा इन जनरल भी बोलूँगा ब्रह्म खाड़े की हम अलग से बात करेंगे डिटेल में इतने सारे फोक में से कुछ चुनिंदा चुनना एक वो भी एल्बम में उस टाइम पे जब पता है कि यार इस एल्बम में छह गाने आने हैं या फिर

सेंस बहुत तगड़ी है भाई पता है 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 भाई कि पता पता आपको यार ये वाला नहीं पता नहीं है, वो अलग चीज है, पर है कुछ ना कुछ है सामने ही नजर आने लग जाता है कि वो चीज हुई है अच्छा ऐसा हाँ, है क्योंकि हमारे यार पहाड़ों में देवी देवताओं से हम लोग बहुत जुड़े रहते हैं ना तो वो करके होता है एक अलग ही देवी और शक्ति हमारे साथ चलती है अगर हम लोग उस उससे रहें तो उस चीज़ को अगर आप हाँ, अच्छे से हाँ, हाँ, वो, चलती है। वो हर वक्त आपको हर बुरे और हर अच्छे में आपका मार्गदर्शन करते हैं बहुत बढ़िया कुछ सुना पाएंगे उस एल्बम से कुछ नहीं दो गाने तो कम से कम चाहिए बामणिये और बानोरे रे हो रे बानोरे बोलो धारो रे

চিউ মে মুশিয়া বে চিউ করে পিউ পোরা লাই খেদিও বেউরা যে তিও বলো কস ভান যে বে কস যায় কস রে সাউরে কে তু আয়ে ও মানু করে ভাণু যে বে করে যায় কখনো রে সাউরে উখড়কে বে আয়ে চিউ মে রে करे पियूं पूरा लाई के दियो और ये एक था एक हाथों दे जोड़े होरे पावड़े एक हाथों दे, दे जोड़े होरे पावड़े दूजे हाथों दा लोटा ओरे बामुनी है दूजे हाथों दा लोटा ओरे बामुनी है दूजे हाथ तो, ओ मेरे चाले ले सत्तो दे बामणी है मेरे चले बेसा तो दे बामुनी है हिंदू हिंदुओं जन्म करे भोटाओ रे बामुनी है हिंदू ये बामुनी है ये इसमें कवि क्या कह रहा है उसको मतलब कि मेरे साथ में चल उसके बारे में बता रहा है कि एक हाथ में ये है एक हाथ में हाँ, लोटा है जो भी फावड़ी मतलब कि अपना लड़िया तड़िया हाँ, मतलब कि अपना जो कुछ है साजो सामान हाँ, वो पैक करो और चलो साथ में चलो मेरे हैं ये कोई स्टोरी थी पुरानी यार पता नहीं मैंने भी कहीं सुना था शायद महेंद्र राठौर जी हैं गुरु जी उनके डैड ने गाया था अच्छा हाँ हमने सुना था कहीं पे उनके डैड ने गाया था फिर वही जाके पर ये बहुत मेरे को मेरे को प्रोड्यूसर ने बोला यार ये गा तू अच्छा। ये गाना है तेरे को कौन थे प्रोड्यूसर वो थे मुकेश गांगटा जी थे उसमें अच्छा हाँ मुकेश, कोट कैसे उनके लिए क्या था हाँ गांगटा जी की सेंस भी बड़ी तगड़ी थी मतलब उस टाइम हाँ, उनके उनके लिए क्या था उन्हें उन्हें बोला मैं कहा चलो गा लेते हैं बहुत ही बड़े वीडियो आई थिंक दो हजार चौदह तेरह चौदह में इसका हाँ ब्यूटी उनका नाम बी माता हमारे बोलते है बी माता वो हमारे भाग्यो सबके लिखती है तो लांदे कहिना बी माता मेरी पोलगी मतलब की मेरे जो भाग्य है उसमें भी आप थोड़ा सा कंधा लगाइए कि मैं भी थोड़ा अपना सुख से जीवन हो अपना थोड़ा बढ़िया करके इज्जत से दो रोटी खाई जाए और ये तो अलग ही हाँ, सबसे ज्यादा नेगी जी के साथ, नेगी जी के साथ। टाइम के कोई किस्से हो कुछ आपको याद हो और आप शेयर करना चाहेंगे हाँ एक बार हुआ था एक बार हम गए थे बेताज बादशाह के लिए हमारा गाना था गुरु जी कलम दबा था तेरे ओके वो मैं फंस गया उसको गाते हुए फिर हाँ। वो नेगी जी ने मेरे को बताया कि ऐसे गाना है और ये जाओ सुबह आना है सारी रात जब जब तक हाँ, जब तक तू इसको बिल्कुल ठीक से नहीं गाता है तब तक नहीं आएगा। हाँ। फिर हम सरान गए तो हम सरान जाना था मंदिर गए माई के दर्शन किए भी काली जी के वहीं पे ठहरे फिर सुबह आए फिर सुबह एक ही टेक में हो गया हो गया सुनाओ ना प्लीज सुनने से कहाँ फंस रहे थे मैं फंस रहा था यार गुरु जी कलम दवात हाथे तेरे तू मेरे आ गुरु जी कलम दवात हाथ तेरे तू मेरे लिख लिखियो मैं यहाँ पे भी नहीं फंस रहा था हो पहला तू लेख लिखे मेरे ही नो रा पहला तू लेख लिखे मेरे इनो नैनो में ये नैनो ना मैं पूरा ही लेके जा रहा था अच्छा और जो आगे आगे की लाइन आनी थी ना वो मैं और बीट करके जा रहा था अच्छा नैनो को लंबा स्ट्रेच कर दे हाँ। था वो मेरे को इतना ही नहीं आ रहा था कि मेरे को ये शब्द यहाँ पे चॉप करना है चॉप करना अच्छा। तो तो बड़े है। ऐसा नहीं करना तू नहीं ऐसा करना बेताज बादशाह का भी बहुत बड़ी हिट हुई थी आपकी राइट बहुत बड़ी हिट हुई थी टोन बहुत बड़ी हिट हुई थी तुनकी था इसमें और दूसरा कौन सा था शिवजी कलम दवा था थे ये थे? भजन है ये सॉर्ट ऑफ मतलब हाँ, आदास हो रही है कि ऐसा हाँ, लिखना हाँ, एक हाँ, पहले मेरे नैन समथिंग कुछ हाँ, हाँ, कलम दबा था कुछ अच्छा लिखना मतलब हाँ, हाँ, ओके हाँ, हाँ. okay. तुनकी फोक है या तुनकी आपने लिखा है तुनकी एक क्रिएशन है यार एक भावना है दिल की नहीं मतलब पुराना फोक है या नया ओरिजिनल हमने मॉडिफाई किया है अच्छा पर जो पुराना है वो हमने उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की है हमने सिर्फ ये नाम लिया है टुनकी नाम लिया है बाकी लिखा हमने खुद किसने लिखा है आपने खुद लिखा है नहीं मसरा मजाक जी ने लिखा था ओके पर मैंने उनको बताया था कि सर मेरे को ये सॉन्ग लिखना है टॉन मैंने बताया था ओके तो टुनकी नहीं सुनाएंगे आप हो घड़ी अग तुम काठण के लागे हो बुड़डो मेरे ओ बो माचो मछ हो मु मिलो अपने लोगा भागे बे मु मिलो अपने भागे हो मु मिलो अपने लोगा भागे बे मु मिलो अपने लोगा भागे हो पो रोद की लोगा आए हो पो रोद की लोगा हो देंदा ओ देंदा लाए टुनकी का मतलब क्या होता है इस शब्द का मतलब क्या है टनकी का टुनकी नाम टुनकी नाम, नाम है किसी का नाम क्या बात है और इस में मैंने जो अभी आपको घोड़ियों तो घड़ा हुई है तुम का ठोन मतलब कि जो गांव वाले हैं जो सके संबंधी है यार दोस्त हैं कि तुम का ठोण के लगे मतलब तुमको क्या दुख हो रहा है अच्छा कि लो मेरा बहुत अगर मेरा मेरी बहू मे, मतलब कि मेरी बीवी थोड़ी मेरे से बूढ़ी है तो आपको क्या परेशानी हो रही है उससे अच्छा मिलो अपने लोग भागे मेरे भाग्य में था मुझे मिला ये तो चलना ही था भाई तो बेताज बादशाह के बाद उस, बड़ी हिट कौन सा रहा आपका सबसे बड़ा उसके बाद कौन सी एल्बम है बेताज बादशाह के बाद बामणी है टू चलिए फिर थोड़ा सा पीछे चलते हैं दोबारा से ब्रह्म खाड़ा के आपने बात की थी ब्रह्म खाड़ा फोक है हमारा ओके भजन समझ लो भजन हमारे भजन है पहाड़ी भजन ओके ब्रह्म खाड़ा का मतलब हुआ पहाड़ी भजन सोर्ट ऑफ उसमें ब्रह्मा जी का नाम लगा है ना ब्रह्म अखाड़ा ओके मतलब कि ब्रह्मा जी का अखाड़ा है कौन सा किया है आपने हमारा कृष्ण लीला वाला कृष्ण लीला तो सबसे पहले मैंने ब्रह्म खाड़ा किया था कृष्ण लीला तो वो करने की क्या सोची एकदम थोड़ा सा क्या थॉट आया मेरे को अच्छा लगता था मैं बचपन से मेरे बुआ मेरे को सुनाते थे तो वो मेरे कानों में बुलावा हुआ मतलब कि कृष्ण भगवान यशोदा मैया से जिद करके पूछ रहे हैं कि किस रूप है वाले सब थे काफी लंबा है ये बीस मिनट से ज्यादा था ये चौबीस पच्चीस मिनट का था इसका क्या रिस्पांस आया था रिस्पांस जो इस फोक को समझता है तो फेनस का क्योंकि बीस पच्चीस मिनट का मतलब एक गाना एक तो पहली बार ट्राई करना अपने आप में हाँ। ये बहुत बड़ी डेरिंग चीज है ऊपर से इतना टिपिकल चीज को पकड़ना और तीसरी बात जिसको कोई हाथ नहीं लगाता उस हाँ हाँ नहीं लगाया किसी ने हाथ नहीं लगाया तभी आपका एक यूनिक आइडेंटिटी है अरुण भाई तभी आपको लोग इस, इस तरीके से वो रिस्पेक्ट देते हैं कि क्योंकि जिन चीजों को लोग हाथ नहीं लगाते वो आप उनको आप उस तरीके से प्रमोट कर रहे हो उस फोक को आप प्रमोट कर रहे हो उपकार है सब लोगों का यार वरना मैं तो इतना छोटा सा इंसान हूँ मेरे सिर के ऊपर कोई एच एस आई एस नहीं बैठे हैं कि फैमिली फ्रेंड्स हो कोई इतना ज्यादा कोई बाप इतना पावरफुल हो कि का ना मैं कोई सोने की चम्मच लेके मुंह में पैदा हुआ हुआ हूँ बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जीरो जीरो से लेके आया हूं मैं पर क्या है आप, आप जिस सच्चाई के साथ ये चीजें बता रहे हो ना और जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है ना उस तरीके से लोग आपके साथ बड़े दिल से जुड़े हुए हैं शायद इसीलिए तो वो जो आप कह रहे हो कि मेरे साथ कोई वो वाला नहीं है, आपकी इस तरीके से इतना प्यार दिया हुआ है और ये मैं तभी कमा पाया हूं कि मैंने रिस्क लिया राइट वो चीजें सुनाने की कोशिश की है जो इट इज ए वेरी गुड थिंग बिकॉज जो कोई कर ही नहीं रहा है जो उस फोक की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है बहुत बड़े तो ब्रह्म खड़ा ताई तो पुछूला सुधा मेरी माइय कस रूपे मु चंद रावली हाँ जी कस रूपे मु चंद रावी ओ हाँ कांगणो बीड़े लास नांगणो कानिया ते रूपे मु चंद रावली हाँ जी तेस रूपे नगरी तो मेरे नौगरी मेरा घड़ाई इस करके चलता था भाई मतलब कि भगवान कृष्ण को रानी सरसु करके एक रानी से उनको अपनी तरफ आकर्षित करना है उस जमाने में कोई रानी जो ये था हमारे को लेके जा रही है उनके दरवाजे पे लेके जा रही कोई सरसों करके रानी थी तो बस वही भगवान कृष्ण जी अपनी माता जी से पूछने कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं रानी सरसों बोल के देख के बोले कि कृष्ण से अच्छा कोई भी नहीं है इस पृथ्वी पे तो फिर माता जी उनको बोलती है कि तू क्या नाम है विश्वा बन जा विश्वा मतलब विश्वा मतलब, मतलब की विश्वा अब मेरे को शब्द सुनाना नहीं आ रहा बिस मतलब कि नखरे वाली औरत अच्छा बिस्वा मतलब कि होता है ना एक औरत में एक अलग ही गुण होता है हमारे बिस्वा बोलते हैं उसको मतलब अच्छी लगने वाली चीज होती है वो अब मेरे को अच्छा शब्द नहीं उसके लिए बोलना आ रहा है समझ गए भावना तो बिस बिस्वा बन मतलब तो विश्व बनने के लिए उनको गहने चाहिए कपड़े चाहिए जूते चाहिए

सबके दरवाजों पे जाते हैं सुनार के दरवाजों पे सोई के दरवाजों पे और फिर सबसे बोलते हैं कि तो सोई भाभी सोए मेरे भाई हाँ जी कि सोए मेरे भाई हाँ मतलब कि ताई तो पूछू सोई और भाभी मतलब कि दर्जी सोई बोलते हैं दर्जी कि दर्जी की भाभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरे भाई कहा है कि सो मेरा भाई तो वो रिप्लाई में बोलते हैं कि के तेरे का तेरे भाई हाँ जी कद का सो मतलब कि मैं कब से, कब से तेरी भाभी हूँ और वो कब से तेरा भाई कब से तेरा भाई है ठीक है तू तो कृष्ण है, है और हम लोग सोई अलग थे नाइस तो भगवान कृष्ण जी बोलते हैं कि हो रेक मत बोले भाभी भाई हाँ मतलब कि ऐसे वचन आप मेरे लिए मत बोलो मेरे तो वो सात जन्मों के भाई है क्या बात है आगे आगे हाँ, और सुनो और हाँ, सुनो मेरे मतलब कि ये कुछ नहीं होता ये सब वरण बनते हैं आप दुनिया चलाने के लिए ठीक है नेक्स्ट का जाते हैं तो नेक्स्ट जाते हैं फिर सुनार के पास वहां पे वही होता सुनिभा सुनू मेरे भाई हाँ जी वो कद के तेरे ऊ सुनू अरे भाबटे कद का सुनू तेरे भाई ओ मत बोले भाभी सुनू सातो जू ओ घरे तो जाना मेरे री नगरी मेरे देंदा गहने गढ़ाए मतलब कि मुझे मथुरा जाना है और मेरे गहने आप मुझे बना के मुझे चाहिए क्या बात है ओ गहने सरसु तेरे देंदा गे। कि जैसे गहने रानी सरसु पहनती है वैसे ही गहने मुझे आप बना के दीजिए क्या तो बस यही वार्तालाप करके वो रानी सरसु जी के तो रानी सरसु जी को जब वो आकर्षित करते हैं तो वो चांद तो मोए मोए सुरजो रानी है नौ लाख गहने रे तारे हाँ जी नौ लाख मतलब रानी सरसु जब उनको बोलते हैं कि तूने तो करके मुझे आकर्षित किया है कि स्वान करके विश्व बन के तू आया और मैं तो फिर भगवान कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं चांद सूरज नौ लाख आकाश के तारे को मोहने की क्षमता रखता हूँ क्या बात वो डी तो डाड़ी रे चढ़ु मोह पंखरू मानू काओ मोड़ है बचारे मैं डाली डाली पे बैठने वाले पंछी पक्षी हर एक चीज को अपने आप में रमाने वाला हूँ आकर्षित करने वाला हूँ मानू काओ मोड़े बचारे मतलब की तो क्या क्या मैं क्या लोग मुझसे बच पाएंगे क्या क्या तो बात है ये भाई ये कहा पड़ा ऑडियो ये इसका आपके YouTube चैनल पे है हाँ डाले हैं लोगों ने यार अलग अलग बहुत लोगों ने मजा लिया है तो है कहीं ना कहीं है स्पॉटी पे तो है स्पॉटी पे तो है मैं सुनूंगा इसको कृष्ण लीला करके मैं कृष्ण लीला करके कृष्ण लीला अरुण जस्टा कृष्ण लीला भाई आपको भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो कृष्ण लीला बाय अरुण जस्टा बस ये टाइप कीजिएगा मिल जाएगी मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा और जिस तरीके से आपने इसको अब ये समझाया मुझे वो और ज़्यादा वो इंगेजिंग बहुत इंटरेस्टिंग मतलब हाँ। हाँ। हाँ, 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 हाँ। nice। भी एक ही इंटरेस्टिंग वे में है हाँ। तो ये तो भाई जी ये तो कोई क्यों ही करेगा मेरे हिसाब से क्योंकि हर किसी को कमर्शलाइज मोस्टली चीजें करनी है क्योंकि मेरे को मैंने बोला ना मैं किया ही नहीं है मैंने स्टार बनने के लिए आज तक तो कुछ किया ही नहीं क्या बात है मैंने अपने दिल के लिए किया क्या बात है जो मेरे को अच्छा लगे मेजोरिटी लोगों को ये होता है की मेरे... मेरे तभी आप कमा पा रहे हो क्योंकि जब आप इतना हटके काम कर रहे हो ना और वो और ये देखो मेरे को सच में बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये मुझे नहीं समझ ऐसा भी नहीं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था थोड़ा 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 जहाँ डाउट थे आपने क्लियर किए एंड मैं पक्का सुनूंगा भाई और रिक्वेस्ट रहेगी ऐसा कुछ और फिर प्लीज आप कीजिएगा है अभी नौ माई दुर्गा पार्ट टू आएगा टू पॉइंट टू हमारा कंटिन्यू रहेगा अच्छा वन आ चुका है नौ माई दुर्गा है मेरे चैनल पे जस्ट आर रिकॉर्ड पे अवेलेबल है वो तो अच्छा उसमें क्या मत दुर्गा माता की स्तुति है क्या हाँ हाँ हा, दुर्गा माता की है वो चलता है सुब <clears> रामा <throat> हो ताई तो बोलूला बसुआब रामना किले कोरे कांगड़े किले कोरे कांगड़े जा ओ किले नो माई तुरगे ओ मेरी आज बोरणी पा तो ये है वसुदेव जी ताई तो बोलू बसुआ ब्राह्मणा बसु बोला है यहाँ पर वसुदेव जी को भगवान कृष्ण जी के पिताजी को ओके okay. तो ये बोला है

कि वो कंस का मैसेज लेके यहाँ पे आए फिर यहाँ से माता ने क्या रिप्लाई किया फिर और कंस के विनाश की पटकथा शुरू हुई कांगड़ा किला से अच्छा फिर वो माता का कोप तो होना ही था ना फिर वो बात पहुंच गई विष्णु भगवान के पास माता दुर्गा जब क्रोधित हुई मतलब माता दुर्गा तो कुछ भी कर सकती थी ना पर कंस को मारने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं आना था भगवान विष्णु ही भी माता को बोलते हैं कि मेरा जन्मपत्रा वो जन्म टेप हमारा तो चलता है हमारा तो जन्म टेप से ही होता है सबसे शुरुआत से लेकर तक का जन्म टेप लिखा जाता है हमारा कि आपके जीवन में ये होगा ऐसा होगा वो होगा तो मेरे ऐसे भाग्य आप लिखिए कि मेरा जन्म वहां पर हो और मेरा कंस के साथ आप बैर लिख दो वो बहुत आतत है बहुत दुष्ट है तो बस मेरा बैर उसके साथ लिखो और मेरे को मथुरा का राज लिख दो साथ में कि मैं उसका राज समाप्त करके शांति बहाल करूं और बस वो क्या पूरी कथा ये सुनाई गई क्या बात है क्या बात है इसका है है तो अभी आ जाते हैं उसके आगे लिखा है टू पॉइंट क्या मतलब है? है। वीरस। 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 तो बामणीय मतलब तो फिर समझ गया मैं बट हारुल टू पॉइंट ये कैसे जेल हो रहा है बामणीय टू पॉइंट हारुल है बीट हारुल हारुल बीट है हारुलट है ओके okay, ओके okay. तो ये कैसे हुआ कि एकदम क्या आइडिया आया एकदम क्योंकि अब आपने बताया कि अब मैं सीरियस हो गया हूँ इस चीज को लेकर हाँ तो जब आप तो आ, फिर मैंने वो भी बोला ना कि कुछ चीजें हम प्रारब्ध से लेके आए हुए हैं तो बैठे थे यही सोलन में बैठे थे हमारे भाई हैं दीक्षित छाछा जी अच्छा उनके मोबाइल पे रील बजी मैं कहा यार दीक्षु मेरे को और सुना और सुना और सुना वहीं पे हमने कोई बीस पच्चीस बार सुन ली दक्षु भी हंसने लगे बोले यार अरुण भाई आप ऐसे कैसे हो मैं मैं तो ऐसे ही सुनता हूँ भाई कोई चीज अच्छी लग जाए तो मैं तो ऐसे ही सुनता हूँ रेल बना देता हूँ फिर वहीं पे लिखना शुरू किया और मैंने सनी को फोन पे सुनाया दूसरे दिन सनी बोलता है शो की आओ शो शोगी शोगी फिर, फिर फिर की सामने तो बेसिकली बामणिया टू पॉइंट आप कह रहे हो कि सोलन में ही बनाया बैठ के सोलन में और सोलन में हम पॉडकास्ट कर रहे हैं सोलन मेंस्ट कर रहे हैं क्या बात है क्या बात है तो जब लेके गए आप जब ये बन रहा था गाना उस टाइम समझ में आ गया था कि ये क्लिक होगा नहीं

মুড়ে মে হ মুড়িয়ে অকেৰে বোল ভলে মাই বোল বামণি এলে মৰাখ দুখ দে বামণি এ গৈ গীত দে গাই বোল বামণি এ তুগৈ গীত দে গাই তেখেৰে তাৰে বোলো বামি জেৰে বিজি গেণীৰে তাৰে হ দে চাট নেদে ৰাতি ভূষৰে লে বোলো বামি ৰা কাট ভূছোৰে লে হ টিকা লে ঘ নাখ হাৰো বোলো বামিনিয়ে গোলে নে লাখ মোতিৰা হাৰো হেৰা মেৰাগে বামণি এত যুগৰা পিয়াৰো বোলো বামিনিয়ে मेरा सातो जुगोरा प्यारो भाई बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया एंड uh, देखो मैं ऑनेस्टली बताऊ हमें ना इसके लिरिक्स नहीं पता मतलब मीनिंग नहीं पता इसके बताओ मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जिनको सच में मीनिंग नहीं होगा पता बट वो इस ट्यून के ऊपर ना बस झूम रहे हैं चाहे वो कांगड़ा का बंदा हो चाहे वो कहीं पूरे हिमाचल का कहीं का भी बंदा होगा ना इतनी रील्स मूड है खेरे बोला ओले आपको कैसे लगी अच्छा जैसे आज पिज्जा बर्गर आज की जनरेशन को लगती है ना ठीक है तो एक जनरेशन ऐसी थी कि उसको मूड़ी मिल जाए ना कि गाँव से कोई अपने मायके से नानी आ रही है बोटी आ रही है कोई दादी आ रही है तो वो कुछ लाए ना लाए अपने बुचके में मूड़ी लेके आएगी और जो खेलने वाला गलियों में गाँव की रास्तों में मिल रहा है वो जब तक मूडी ना पकड़ाए तो उसको ना अच्छा लगेगा ना उन बच्चों को अच्छा लगेगा कि, क्योंकि के, चोर नोजर बुज के भी मतलब कि हमारे कहावत बोली जाती है कि जो चोर होता है ना उसकी नजर हमेशा बुचका बोलते हैं हमारे गाची में जो बुचका बोलते हैं हमारे भी तो बच्चों की नजर तो जब बुचका दिख रहा है तो नजर तो रहेगी भाई हाँ मुड़ा ही बोलते हैं ना तो बस वो मूढ़ी जब मिलेगी तो समझो कि वो छप्पन भोग हो गया अच्छा है। मतलब कि कैसी है, अच्छा। दे गीतो दे गाए। है। मतलब कि जो भी परिस्थिति हो मेरे लिए तो तू ही है अच्छा। तू ही स्तुति है तू ही सब कुछ है तेरा ही नाम होगा तेरा ही गुणगान होगा ठीक है और इसके बाद तेरी ओके तेरी आख टी बी जिग्या मतलब तेरी आंखें मेरे पास लगती है जैसे ऊपर आसमान में तारे लगते है ना आसमान के तारे होते हैं

से लेके उससे लास्ट उससे पहले आपने एल्बम कौन सी करी थी लास्ट उससे पहले सिलदारा 2.0 2.0 नहीं सिलदारा भी कर दिया आपने ये तो अभी आया है बट जो कुछ साल पहले लोपे लोपे लागे लुपे लागे साथ ये जो गैप डला था इसका कुछ रीजन है यार दिक्कत थी दिक्कत थी एक ऐसा वर्ग हो चुका था ना तैयार हो चुका था कि दिक्कत थी कि ये आदमी रहेगा तो शायद पता नहीं क्या होगा वो दिक्कत थी तो वो दिक्कत ऐसी हो गई थी कि एक ही टीम में बहुत सारे लोग ना एक ही टीम में थे ये तो अभी किसी को नहीं दिख रहा है ना पर मुझे तो दिख रहा है कि मैं पूरी सेना के साथ लड़ रहा हूँ अकेले ना और वीरों की तरह ही लड़ूंगा उनको पता भी लग रहा है कि कोई बंदा फंसा है इस बार हाथ में ना सबक सिखाएगा तो बस वही चला है अपने आप को सत्रह साल हो गए प्रूफ करने में तो अभी तक भी नहीं कर पाए यार सालों से बस यही है जवानी से बुढ़ापे पे आ गए हैं पर प्रूफ नहीं कर पाए कि हम क्या है और इस संस्कृति के लिए हमने भी बहुत कुछ किया है रिसर्चेस किए हैं यार बीस बीस पच्चीस पच्चीस मिनट याद करना बहुत कुछ है किया है आसान नहीं होता तो आपको सक्सेस मिली थी तो क्या आपको वो हजम हो गई थी हाँ क्योंकि मैंने कभी दिमाग पे चढ़ाया ही नहीं है ना इस चीज को यार जो चीज़ ये सक्सेस ऐसी होती है यार ये परमानेंट नहीं है हमारे साथ रहनी है हमारे साथ अगर कुछ चलना है वो हमारी अच्छाई और बुराई चलनी है यहाँ से पार हमने जाना है यहाँ से पार मतलब कि भगवान के घर पे हमने जाना है तो वहां पे हमारे साथ हमारी कामयाबियां या हमारे डाउनफॉल्स नहीं हमारे साथ चलेंगे हमने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया वो हमारे साथ तो चल रहा है किससे हारे किस से जीते वो ऊपर भगवान के घर पे थोड़ी ना मतलब कोई है हमने कितनों को खुश किया कितनों को दुख दिया वो ऊपर वैल्यू वैल्यू कर्म हाँ। कभी टाइम आया उसके बाद फिर जब ऊपर गए उसके बाद कभी हाँ हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ पर मैं उतने ऊपर अपने आप को कभी मानता ही नहीं था ना नहीं तो अगर कोई और होता तो वो तो धुड़म हो चुका होता ना कब का वो तो बेचारा उठता ही ना पर मेरी मिट्टी थोड़ी अलग है ठीक है, की बात करें एक और तो एक वीडियो बड़ा वीडियो बड़ा वायरल हुआ था का। उस के बाद, भी हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी सबको धन्यवाद है बहुत बहुत आप सबका एहसान है यार बहुत बहुत एहसान है बल्कि मैं तो जब आप सभी बहुत से लोग ऐसे हैं कि मैं देखता था दूसरे के सॉन्ग्स पे रील्स होती थी आपकी तो मुझे लगता था कि यार कभी ऐसा दिन होगा कि मेरे सॉन्ग्स पे भी रील्स करें ये लोग तो आज वो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका आगे भी आपको ऐसा ही अच्छा अच्छा कंटेंट्स देंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं अभी अपकमिंग हमारे कोटखाई की फैमिली है एक काटा फैमिली ओके okay. ये कोट कहलूर की फैमिली है कोट कहलूर पड़ता है शायद बिलासपुर में ही है ये जगह कहीं हाँ, कहलूर, कहलूर, ये था। 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 हाँ ये रियासत वहां के ये के फैमिली हैं तो मेरी जो बात हुई है उनसे तो मुझे पता लगा उनके गृह छिड़ गया था हाँ। बड़े परिवारों में आज भी दिखता है हाँ। कि प्रॉपर्टीज को लेके जगह जमीन के लिए विवाद होते हैं तो वो फैमिली उस फैमिली का रुतबा कहलूर में वैसा था वो राज परिवार से जुड़े हुए लोग थे तो वहां पर गृह युद्ध हुआ उनको अपनी जगह जमीन सबको छोड़ के आना पड़ा तो कोटखाई में बस वही उनका स्ट्रगल है मेहनत है और वही कहानी है बारह पंद्रह मिनट जो भी है ना वो सुनाएंगे हम आपको फिर उसके बाद एक मैंने संदीप कंवर जी के लिए ही रिकॉर्ड किया है हम्म बोलो দেও ভজনা লাঙ্কড়া কাম রু রে মা দেও ভজনা লাঙ্কড়া কাম রু রে মা বল ভুসরে যে আগোচেই মে কল মেলা ভুসরে যে আগোচেই मेरी कॉल मेला ये सनी भाई के लिए रिकॉर्ड किया हुआ है ये भी आएगा फिर एक ऋषभ चौहान जी है हमारे भाई है वो नो माई टू पॉइंट ओ में भी वो साथ में गाएंगे एक सॉन्ग उनके लिए रिकॉर्ड किया है धारो पंदोरी गुजरी है। तो वो खुद ही लिखा है ये नाम बहुत पुराना है गीत इस पे बहुत पुराना है पर मोडिफाई किया है हमने ना इसको थोड़ा और नया करने की कोशिश की है कुछ शब्द डाले हैं तो वो भी आएगा वो ऋषभ चौहान जी के लिए रिकॉर्ड किया हुआ काम है चार साल पीछे मैंने बताया ना मैंने चार साल में बहुत कुछ किया है बहुत इंतजाम किया है चार साल में ना वो अब पता लगेगा आने वाले दो चार महीनों में अपकमिंग जितना भी है उसी पे ही आएगा सब कुछ तो जस्टा रिकॉर्ड आप भी जरूर चेक कीजिएगा इनका यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल और उसके ऊपर बाबड़िया टू पॉइंट तो आपने सुना ही होगा बाकी भी बहुत सारा कॉन्टेंट उसके ऊपर अब अरुण भाई का आने वाला है मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे इतने बड़े हिट गाने देने के बाद भी आ, बड़े मंच मिलते हैं आपको आप? यार नहीं वही तो बात है ना लॉजू काला गर्थ है हमारी एक कहावत है लॉजू काला गर्थ है लजू मतलब की करने वाला और गर्थ मतलब की संसाधन लड़ झुका जब संसाधन ही नहीं है मतलब कि है, कोई कोई की अपने घर से नहीं नहीं है है अपने फैमिली फ्रेंड्स अपना कोई कोलीग नहीं है तो हम तो वैसे भी अनपढ़ आदमी है को बीच हमारी क्या पहुंच हम तो वहां पर हमारी बात तो पहुंच ही नहीं पाएगी फिर कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है कि जो ये हम वहां पर उनके साथ में खड़े होके वो हमारे लिए बोले कि नहीं यार इस बंदे को तो मेरी सेटिंग नहीं है यार इतने बड़े लेवल पे सेटिंग चाहिए होती है इसमें अलग अलग लोगों का काम है ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले लोग होते हैं फिर पॉलिटिशियंस होते हैं फिर हर एक चीज है इसमें ना तो मेरी उतनी वो हुई नहीं है पहुंच है नहीं है तो तभी अपने आप को तभी तो बोल रहा हूँ सत्रह साल हो गए अपने आप को जवानी से बुढ़ापा आ गया भाई मैं प्रूफ ही नहीं कर पाया हूँ कि मैं कौन हूँ मैं अभी तक ऐसी नाव में हूँ कि वो बस चले जा रही है बीच समंदर में है किनारा कोई नहीं है कभी आपने खुद अप्रोच किया हो इस, किस, इस तरीके से और आपको मना किया गया हो ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट हुआ कभी हाँ यार रामपुर में हुआ एक ना कब की बात है ये है पांच छह साल पहले की बात है तो एक सर थे एस टी एम सर थे नाम तो क्या बोलना है? नाम हाँ तो उन्होंने तो बल्कि मुंह पर ही बोला था कि यार इस बंदे की ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है तो इसको हम मंच नहीं दे सकते अच्छा हाँ तो फिर मैं यार क्या बोलू फिर मेरे को दिल में मेरे भी बहुत कुछ था बोलने के लिए मैं फिर मैं कोई नहीं मैं कहा ठीक है यार जो भी है तो वही मैं बोल रहा हूं ना कि घर पे कोई एच एस आई एस नहीं है तो चीज में ये चीजें चाहिए होती है सेटिंग चाहिए होती है

जो इतने सालों से फोक को हमारे इस तरीके से यू you नो know, इतना आगे लेके आ रहे हैं और यार तो क्या कर सकते हैं अब सिस्टम ऐसा है ना यार सिस्टम ऐसा है बहुत बहुत दुख की बात है ये हमारे सिस्टम आर्टिस्ट बहुत सारे हैं नाइट्स दो होती हैं एक हिमाचली नाइट होती है अब सभी आर्टिस्ट को भी स्टार नाइट नहीं मिले गवर्नमेंट को भी नहीं को जा सकता इस चीज में यार हाँ हम ही उतने बड़े लेवल पे नहीं पहुंच पाए अभी हम में ही कमियां हैं बात पता है क्या चाहता है ठीक है मिलना भी चाहिए मौका पर जो लोग फोक को इतना आगे लेके चल रहे हिमाचल नाइट में एटलीस्ट उनको थोड़ा समझा अब इन लोगों को वो चीज नहीं पता है ना यार इन लोगों को तो दो एक सेकंड आधे सेकंड की रील्स करके जो इन लोगों को तो वही लगता है कि वही कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इन लोगों को हमारी मेहनत का पता नहीं है यार कि कलाकार को कितनी डीप रिसर्च करते क्या, क्या मेहनत करनी पड़ती है ना हमारी वैल्यू कोई नहीं है वैल्यू है सिर्फ जो तीस सेकंड में रील करेगा एक मिनट की जो रील कर रहा है वो वो प्रमोटर है वो सब कुछ है और ये है बहुत सी चीजें हैं तो ठीक है हमारे को तो उतना वो नहीं है यार हम तो हमारे माँ बाप ने शुरू से लेके एक ही पे होता है। मारे बगीचे मारे तो हम ऐसी जगह से आते हैं यार जुब्बल कोट का ही रोड तो वहां पे हम लोगों को उतनी ज्यादा शायद कमी नहीं महसूस होती है पर कई जगह हाँ ऐसा होता है कि रिसोर्सेज ही नहीं होते ना यार परिवार चलाने के लिए तो हमारे पास तो चलो ये होता है कि सौ पेटी सेव की होगी तो साल कट जाता है दो सौ पेटी सेव की होगी तो सब कुछ चल पड़ता है उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती है भाई वो तो आपका फैमिली बिजनेस हो गया ना आ, वो तो अलग चीज चलेगी ना नहीं आप एक एज एन आर्टिस्ट हो ना और एज एन आर्टिस्ट आप इतना कुछ कर रहे हो जब वो भी अब कैसे कर सकते हैं इसके लिए आप आंदोलन तो नहीं कर सकते no, obviously. पर ये कि हाँ बड़ा दुख बड़ा लगता है कि क्या सिस्टम बना पड़ा है हमारा अजीब सा सिस्टम है कि जहाँ पे जो पर्सन इतने सालों से इतना टिपिकल फोक गा रहा है और उन चीजों के ऊपर गा रहा है जिनको कोई हाथ नहीं लगाता और उन उस आर्टिस्ट को आप स्टेज नहीं दे रहे हो और अगर दे भी रहे हो बुला भी रहे हो तो आप बजट नहीं बता पा रहे हो समर फेस्टिवल में भाई मेरे को दो मिनट का मैंने कार्यक्रम किया दो मिनट में फिर म्यूजिशियन खुद ही म्यूजिक बंद हो गया फिर इतना बुरा महसूस होता है उस वक्त की देखो यार गाते गाते मिनट में इतना छोटा-छोटा फिर दिल करता है कि यार कहा वो हो गया आप बहुत है बहुत कमी है अभी जो अब चलिए हम तो नहीं सुधार सकते ना मैं सुधारने का ठेकेदार हूं मैं तो सिर्फ आपके साथ नहीं हम भी वो किसी की को, भावनाओं को ठेस तो लगने वाली बात क्या है यार इसमें बात तो सिंपल सी चीज ये है कि विडंबना है बहुत बड़ी कि आर्टिस्ट का ही पता नहीं है कि कौन आर्टिस्ट की क्या वैल्यू है चलिए आई होप कि सिस्टम थोड़ा ठीक हो हमारा कोई हमारे बूढ़े होने से जल्दी हो जाए तो दो चार साल हम भी बड़ी नाइट्स करेंगे नहीं तो अब हम तो बूढ़े हो ही गए हैं पता नहीं अरुण भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको किसी बड़े मंच से कॉल आने वाली है और बहुत जल्दी आप बहुत बड़े -बड़े में और बहुत बड़े 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 में आप शोज स्टार नाइट्स करने वाले हैं मेहरबानी बहुत, बहुत बहुत आपकी आई होप सिस्टम थोड़ा सा इस पे भी फोकस करे तो ज्यादा बढ़िया होगा हम तो टीका टिप्पणी किसी पे नहीं करते हैं ना किसी के आगे बेरोजगारी का रोना रोते हैं कि हम बेरोजगार है हमारे रोजगार दो तो सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने में ही विश्वास रखते हैं यार मेरे को झुकना ही पसंद नहीं आता है नहीं भाई क्यों झुकना यार इतना झुकना मतलब कि अपने स्वार्थ के लिए अपने काम के लिए अदरवाइज में तो किसी के भी आगे वो दिक्कत नहीं है

अपनी नाइट के लिए अपने प्रोग्राम के लिए मैं कहीं नहीं गिड़ हूं भाई इतना करने के बाद भी अगर आपको गिड़गड़ाना पड़े काम के लिए अगर तो मतलब नहीं है ना उस चीज का इतना डीपली आप घुसे हो फोक में उसके बावजूद आपको अगर गिड़गड़ाना गिड़ पड़ गया फिर मतलब नहीं है ना हाँ। वो रिस्पेक्ट गई ना फिर कोई बात नहीं मिलेगा शोज मिलेंगे चीजें होंगी अच्छा होगा बढ़िया होगा ठीक है आप ऐसे रहो सही जा रहे हो आप बहुत बढ़िया जा रहे हो बस ये है कि एक चीज छोटी सी है कि गाने कंटिन्यूसली निकालते रहना आप गाने कंटीन्यूअसली आते रहते रहने भाई अभी लोग बोलेंगे कि रुक जा भाई लोगों <laughs> अभी अभी देखते रहो लोग बोलेंगे रुक जा भाई हमें भी कुछ करने दे ऐसा होने वाला है लोगों का काम है कहना कुछ अच्छा बोलेंगे कुछ बुरा बोलेंगे आप तो, बस रिक्वेस्ट ये है आप लगे रहना तो उन्हीं कहने वालों के लिए बोल रहा हूं कहेंगे कि चु, चुप रहो दो महीने रुक जाओ ऐसा होने वाला सही में बोल रहा भाई मजा आने वाला है बहुत सारा मेरे को ऐसा लग रहा है और आज आपने थोड़ा सा अपने बारे में बताया और बड़ा अच्छा लगा बहुत क्यूरसिटी थी आपके बारे में जानने की एंड आई होप आपसे जल्दी मुलाकात होगी हिमाचली पॉडकास्ट पे जब भी आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप जब भी लेके आओगे मुझे पता है बहुत सारे लेके आओगे हम बैठेंगे यहाँ दोबारा और डिस्कस करेंगे उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके यार, आपने मौका दिया अरे भाई हम तो कब से बोल रहे थे आपको आपको पता ही है बाकी एंड <laughs> आपके फैंस भी जो देख रहे होंगे उनको भी अच्छा लगा होगा कि फाइनली भाई आ गए हैं एंड थैंक यू सो मच आप ऐसे लगे रहिए बहुत बहुत धन्यवाद दिन दुनिया रात चौकनी तरक्की हो हिमाचली पॉडकास्ट की बहुत और बहुत बढ़िया काम आप लोग कर रहे हो मैं दिल से बोल रहा हूँ जब आप बात करते हो तो लगता है कि अपने घर पे बैठे अपने आदमी के अपने परिवार के बीच में मजा आ जाता है धन्यवाद भाई सेम यार अच्छा भाई भाई बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर थैंक यू सो मच मेहरबानी